अस्सलाम वालेकुम शीरीन व्लॉग्स में तमाम बहनों को बहुत बहुत वेलकम। आज संडे है जनाब और आज हम गए हैं कराची के लाल किले और आज आपको मैं अंदर से भी इसको दिखाती हूँ कि किस तरह का है खाना वगैरह, क्योंकि हम हाई टी टाइम पे गए थे तो हाई टी का टाइम था 3 बजे से 6 बजे तक, लेकिन हम पहुँचे थे जनाब 5 बजे। और आप ये देखिए इंट्रेस होते ही ये रिसेप्शन है, रूम है इनका, ठीक है जी। यहाँ बुकिंग्स वगैरह पहले से करवानी पड़ती है, फिर अंदर दाखिल हुए तो आप ये देख लीजिए भाई। कैमरा बहुत मेरे हाथ से हिल रहा था क्योंकि अप डाउन था सब सिलसिला चलने का। तो बहरहाल आप देखें अंदर से इस तरह की ईंटों का बना हुआ है और माशाल्लाह हाई टी के टाइम भी बहुत सारे लोग फैमिलीज आई हुई थी और खैर हमने बुकिंग पहले करवा ली थी, सीटें हमारी रिजर्व थी, जगह हमें बड़ी अच्छी मिल गई, हवा भी थी, मौसम भी अच्छा था, शुक्र है। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा आज का विज़िट लाल किले में। और आप ये देखें ये बहुत ही अच्छा इंतज़ाम रखा हुआ था इन लोगों ने कि मतलब किसी को किसी से कोई अड़चन नहीं हो रही थी। और ये जहांगीर बादशाह सलामत ये बने हुए थे और ये हर सीट पे जाके जो है वो अपना कुछ भी बयान कर रहे थे। तो अब ये देखिए मैं अगर आपको डिशों का नज़ारा करवा रहा हूँ, तो चिकन पास्ता था और ये स्पेगेटी थी, चिकन स्पेगेटी किचन का बीचम बीच में रखा था इन्होंने। ये देखिए सैंडविच बहुत मज़े के थे, मैं बहुत सही जगह से खाएँ। बस आप देखते जाइए इनकी डिशें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सारी डिशें थी। प्राउन थी ये पकोड़ा, प्राउन हलीम था, सूप था, ये देखिए सूप भी बहुत मज़े का था। ये पकौड़ा के साथ देखिए ये पकौड़ा के साथ था, फिश वगैरह थी, हाँ कई बड़े थे ये। हमने हर आइटम जो थोड़ा थोड़ा चखा ज़रूर है, हालांकि फिर भी बहुत पेट भर गया था, थोड़ा थोड़ा चखने पे ही। हलीम भी बहुत मज़े की थी, खाने बहुत अच्छे थे और बहुत तरतीब से थे, और ऐसा नहीं कि डिशें ख़त्म हो जाती थी, बहुत अच्छी चीज़ होती थी सब। रोल भी था, आपको मैं दिखा दूँ कि ये तो जब हम 5 बजे गए थे, जब ये जब ये शुरू में सब लोग गए होंगे, बर्गर भी बहुत अच्छा मज़े का था। इसके साथ ये देखें दिखाती हूँ गोला गंडा, ये देखें जी गोला गंडा बहुत टेस्टी गोला गंडा था, तो चॉकलेट जो डल रही थी बहुत मज़ा आया। ये हमने आखिर में खाया गोला गंडा। मतलब एक तरफ जो है था उनका किचन था, उसमें बारबेक्यू का था सारा सामान, मतलब सीख बोटी, कबाब, मलाई बोटी, ये सब थे। अच्छा ऊपर भी इनका सिस्टम था कुर्सियों का, रखे हुई थी कुर्सियाँ और ऊपर लोग बैठे हुए थे जैसे आप ये देख रही हैं। और ये मीठे का था पोषण, बहुत सारे मीठे थे लातादार, मैं अंदर नहीं गई। और ये देखें इसमें कॉफ़ी, टी, जूस, ग्रीन टी सब कुछ था। चाय इंतहाई लजीज थी, आप जब जाएं तो ज़रूर चाय पिए। ये देखें जी गोला गंडा, ये मैंने गोला गंडा लिखे तो बहुत खाना है और बहुत ही मज़े का गोला गंडा। और जनाब आप ज़रूर विज़िट करिएगा लाल किले का। और ये अंदर का पोर्शन था जो उन्होंने हॉल में हॉल रखा था, लेकिन हम हॉल में नहीं बैठे क्योंकि हमें अच्छा लगा बाहर ज़रा खुला हवा वगैरह थी। ये देखिए फिर दोबारा निकल के बाहर आ गए, आपको हॉल दिखा दें। और अब हम खाना वाना खा चुके हैं और हम जा रहे हैं वापसी घर। तो ये थोड़ा सा बाहर का भी नज़ारा देख लें, ये शार फैसल रोड है, गाड़ी आ गई, उसके सामने ये लाल किला। अल्लाह हाफिज़।